हेलो मेरे कारपेंटर भाइयों, आज मैं नए टॉपिक के ऊपर वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम सनमाइका किस प्रकार से बोर्ड के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। ये तरीका काफ़ी यूनिक है फ्रेंड्स। इससे आप अगर सनमाइका चिपकाओगे तो आपकी सनमाइका एक तो बहुत अच्छी तरीके से चिपकेगी और दूसरा आपकी माइका कहीं से फूलेगी भी नहीं। आपने भी यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियोज देखी होंगी जिसमें माइका चिपकाने के बारे में बताया जाता है, जिसमें से एक भी वीडियो के अंदर आपको सही तरीका नहीं बताया गया है कि माइका किस प्रकार से हमें चिपकानी चाहिए और उसकी प्रेस किस प्रकार से की जानी चाहिए। कोई तो कहता है कि कंघी से उसको एक बोर्ड के अंदर इस तरफ अगर फेविकोल खींच रहे हो तो माइका में इस तरफ को खींचना चाहिए, कोई कहता है कि उसकी प्रेस कपड़े से करनी चाहिए, कोई कहता है कि कपड़े गीले कपड़े से प्रेस करनी चाहिए, कोई कहता है कागज़ से प्रेस करनी चाहिए। आज मैं इन्हीं डाउटों को दूर करने के लिए ये वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, इसमें आपको सनमाइका चिपकाने का बिल्कुल सही तरीका मैं आपको बताऊंगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। और फ्रेंड्स यहाँ तक मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग मेरी ये वीडियो अच्छी नहीं लगे और आप इस तरह मैंने आपको माइका चिपकाने का तरीका बताया, आप उसी तरह से माइका चिपकाए, अगर आपकी माइका सही नहीं चिपके तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स हमने ये एक बोर्ड का पीस ले लिया है और इसके हमें दोनों तरफ को माइका लगानी है। तो ये दो माइका के पीस मैंने ले लिए हैं जिन्हें मैंने काट लिया है, अभी से हम रेती से काट लिए। आप देख सकते हैं ये किस प्रकार की माइका है, ये काफी ब्रांड हुई हुई माइका है। चलो इस तरह की माइका में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ये तो प्रॉपरली टेप लगाने से चिपक जाती है। लेकिन जो इस तरह की माइका होती है वो पूरी घूमी हुई, ये माइकाओं का काफ़ी डर रहता है फूलने का, ये माइका ज़्यादातर फूली जाती है। तो मैं जो तरीका आपको बताऊंगा उससे आपकी बिल्कुल भी माइका फूलने का डर नहीं रहेगा। तो चलिए पहले ये माइका कट कर देते हैं रेती से। हमने ये माइकाएं कट कर लिए, अभी से हम रेगमाल से साफ कर लेंगे, जो इनकी किनारियों पे ये माइका के रने रह जाते हैं इनको साफ करना जरूरी है, नहीं तो फेविकोल लगाते समय बीच में आ जाता है और ये माइका फूलने का कारण बन जाते हैं। अब आपके इस बोर्ड के ऊपर अगर कोई डबक हो रही हो या कील लगी हुई हो, कुछ भी हो, या बोर्ड की बिंदियां फूल रही हो तो उसको भी साफ कर लेना चाहिए और रेगमाल लगा लें जिससे सनमाइका बढ़ने का। अब इसके दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये इधर ये टेप लगी हुई है, तो इस टेप को हम हटा लेते हैं। अगर ये कागज और टेप लगी हुई हो तो फ्रेंड्स उन्हें हटा लेना चाहिए, नहीं तो सनमाइका चिपकाने के बाद उनको सनमाइका को धुला देते हैं।
पहले हम माइक के ऊपर फेविकोल लगा देंगे। इसमें कोई जरूरी नहीं है आप सनमाइका में फेविकोल जब लगा रहे हो कंघी की सहायता से तो आप रेसे इसी तरफ खींचे, कोई जरूरी नहीं है आपके मन में हो उस प्रकार से रेसे खींचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइका बिल्कुल बढ़िया तरह से चिपकेगी। अब देखिए मैं आपके सामने जैसा मन में होगा उस प्रकार से खींच देता हूँ, कोई जरूरी नहीं है इससे के रेसे हमारे बिल्कुल इस प्रकार से हम खींचेंगे तो ही हमारी माइका चिपकेगी। आप देख सकते हैं मैंने यूं ही फेविकोल कंघी से खींच दिया है, इससे कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिशा में फेविकोल लगाएं, बस कंघी से आपको फेविकोल लगाना चाहिए जिससे के बरोबर फेविकोल लगे। हम जो ये सनमाइका वगैरह के पीस से फेविकोल लगाते हैं तो उससे कम ज्यादा लगता है तो वो नहीं होना चाहिए, कंघी से आप फेविकोल लगाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों माइकाओं में हमने फेविकोल लगा लिया है, अब हम इस बोर्ड के ऊपर भी फेविकोल लगा लेते हैं। फ्रेंड जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं ना आप उसी तरीके से सनमाइका चिपकाएं, आपकी 1% भी माइका नहीं खुलेगी। अब हमने इसके ऊपर फेविकोल लगा लिया है, आपको सुखाने की कोई जरूरत नहीं है कि इसे हम सुखाएंगे तभी इस पे प्रॉपरली सनमाइका चिपकेगी, आप इसके ऊपर आप फेविकोल अपने लगाया और हाथों हाथ चिपका सकते हैं। अब एक बार हल्का सा हाथ फेर के हमें माइका चेक कर लेनी चाहिए कि हमारी चारों तरफ से माइका बिल्कुल सही है या नहीं है, ये हमने चेक कर लिया। अब मैं आपको इसका असली तरीका बताता हूँ कि हमें माइका किस प्रकार से प्रेस करनी है, तो उसके लिए हमें इस प्रकार का एक बोर्ड का पीस लेना है जिसकी एक टक्कर सीधी हो और ये तकरीबन 5 इंची हाइट का और 17-18 इंची लंबा हो, इतना बड़ा पीस हमें चाहिए। और इस पीस पे हमें ये जो हमारी माइका के साथ में कागज आता है लगा हुआ वो कागज लपेट लेंगे। आपको किसी कपड़े की या कागज से अलग से घिसाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या हाथ से घिसाई करने की जरूरत नहीं है, क्या आप हथेली से इसे दे देके इसे प्रेस करें, आप इसके अंदर थोड़ा सा बस ये कागज लगा लें तो इसके दूसरे सिरे को इस प्रकार से टेप लगा दें, एक कागज टूटे नहीं। और अब आपको जो ये हमारा सीधा बोर्ड की टक्कर थी इस वाले सिरे से एक कोना इस प्रकार से लगाना है, आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से, और इस
इसमें इस प्रकार से इसकी गैस बाहर निकालनी है, इसमें जो भी गैस होगी सनमाइका में वो सारी गैस बाहर निकल जाएगी और आपकी माइका एकदम बढ़िया तेज तो हो जाएगी इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं काफी बढ़िया इसके ऊपर टेस्ट हो गई है। चाहे आप इसके ऊपर टेप ही मत लगाओ, बिल्कुल बढ़िया तरह से चिपक चुकी है, लेकिन टेप लगाना जरूरी है, टेप हमें हमेशा लगानी चाहिए। जो ये कहते हैं कि मैं तो पेस्ट कर देता हूँ और टेप भी नहीं लगाता, वो तरीका गलत है, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। अब इसके दूसरी तरफ भी हम फेविकोल लगा लेते हैं। तो इसके ऊपर भी अब हम ये माइका लगा लेंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये माइका इधर से उठ रही है, क्योंकि ये माइका इस प्रकार से है। तो इसमें हम टेप लगा लेते हैं पहले तीनों सिरों पे और फिर इस पे थोड़ा सा लकड़ी के गुटके से हिस्सा देके फिर टेप लगा देंगे इसके इस तरफ। तो इसमें तीन तरफ तो हम टेप लगा लेते हैं। अब हमारी ये माइका लग के रेडी हो चुकी है। अब इसे हम किसी चीज के नीचे दबा के रख सकते हैं जिससे इसके अंदर थोड़ा बहुत कहीं पे भी बेंड नहीं आए। तो इसे हम किसी बाल्टी या भारी वस्तु के नीचे दबा के रख देंगे जिससे इसमें बिल्कुल भी बेंड नहीं आएगा और ये बिल्कुल प्रॉपरली सीधा रहेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा बताई गई सनमाइका चिपकाने की वीडियो मुझे आशा है कि आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, आपको जिस प्रकार से मैंने माइका चिपकाना बताया आप उस प्रकार से माइका चिपकाएं, आपकी माइका 1% भी कहीं से नहीं फूलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ भी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय।